देश दुनिया के इतिहास में 30 जुलाई का दिन कई तारीखों का गवाह बना। आज के दिन राइट बंधुओं के पहले विमान के निर्माण समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन तारीखों की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1602 में इंडोनेशिया में नीदरलैंड का राजनैतिक और साम्राज्यवादी प्रभाव आरंभ हुआ था। इटली के नेपल्स में आज ही के दिन 1629 में आए भूकंप के कारण कम से कम 10,000 लोगों की जान चली गई थी। 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थॉमस ग्रे का आज ही के दिन 1771 में निधन हो गया था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह का जन्म आज ही के दिन 1822 में हुआ था। 1836 में आज ही के दिन अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित किया गया था। जानी मानी मोटर कंपनी फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड का आज ही के दिन 1863 में जन्म हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म आज ही के दिन 1886 में हुआ था। 1909 में आज ही के दिन राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहले विमान का निर्माण किया था। 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहास वेत्ता, संस्कृतज्ञ और सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद्र पांडे का जन्म आज ही के दिन 1923 में हुआ था। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 10वें आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत आज ही के दिन 1932 में हुई थी। आज ही के दिन 1942 में जर्मन की सेना ने बेलारूस के मिंस्क में 25,000 यहूदियों की जान ले ली थी। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर का जन्म आज ही के दिन 1947 में हुआ था। 1966 में आज ही के दिन 8वें फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने पश्चिम जर्मनी को हराकर पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता था। हिंदी सिनेमा के जाने माने और मशहूर गायककार सोनू निगम का जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ था। आज ही के दिन 2000 में लॉन्स आर्मस्ट्रांग 3 बार लगातार फ्रांस का भ्रमण करने वाले पहले अमेरिकी नागरिक बने थे। 2002 में आज ही के दिन कनाडा ने अलकायदा सहित 7 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। हॉलीवुड अभिनेत्री पामेला एंडरसन ने आज ही के दिन 2006 में मशहूर गायक किड रॉक से विवाह किया था। 2012 में आज ही के दिन एक साथ पूरे उत्तरी भारत के 7 राज्यों की बिजली गुल हो गई थी। उत्तरी ग्रिड में खराबी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 36 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। आज ही के दिन 2018 में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में प्रचलित नाबालिग लड़कियों का खतना करने की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन करार दिया था। आंध्र प्रदेश में आज ही के दिन 2012 में एक रेलगाड़ी में आग लग जाने से 32 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में 27 लोग घायल हो गए थे। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।